तो एजेंट मूवी का फाइनल ट्रेलर आउट हो गया है और इसी करेंगे रिएक्शन पर इस इंट्रो के बाद। तो देखो यार, जो मेरा ट्रेलर देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन था वो यही था कि यार क्या इतनी अच्छी आपकी मूवी फिलहाल देख के लग रही है, और जो आपने ट्रेलर निकाला है सच में 2 मिनट का निकाला, और जो चीज़ें दिखाई हैं वो सच में बवाल लेवल हैं। जो एक्शन देखने को मिल रहा है वो नेक्स्ट लेवल है। जिस तरीके से जो पूरा म्यूजिक है लाउड है वो अच्छा लग रहा है, साथ में मेगा स्टार मनमोटी सर, उसके बाद यार अखिल, और भी जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं पूरे ट्रेलर में वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और एक बात और अच्छी लगी इस पूरे ट्रेलर की कि स्टार्टिंग जिस तरीके से हिंदी से होती है और उसके बाद बाकी जो डायलॉग्स हैं वो सब तेलुगु में। मैं तो एक बार कंफ्यूज हो गया था कि यार ट्रेलर हिंदी डब में तो नहीं आ गया पूरा, पर नहीं भाई, हिंदी डब में नहीं है। तो देखो यार, इतनी अच्छी चीज़ें हैं पूरे ट्रेलर में, और उसके बाद भी ये लोग यार बॉलीवुड से डर गए। सलमान भाई की मूवी आने वाली है किसी की भाई किसी जान, और उस डर से हिंदी डब में रिलीज नहीं कर रहे हैं इस मूवी को। और बस इतनी सी बात को देख के मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, कंपेयर करें ना आज भी अगर इस पूरी मूवी के ट्रेलर को सलमान भाई की मूवी के ट्रेलर से किसी की भाई किसी जान से, तो इसका बेटर लगेगा किसी को भी, और कोई भी इसी को सजेस्ट करेगा पहले नंबर पे। पर फिर भी ये लोग अपनी मूवी को हिंदी डब में रिलीज नहीं करेंगे, ये कन्फर्म हो चुका है। लगभग 7 दिन बाद या 14 दिन बाद मूवी रिलीज होगी, और ये बहुत गलत बात है यार। चाहे आपको स्क्रीन कम मिलता, अगर आपके कंटेंट में दम होता तो पक्का मूवी बवाल मचाती। और फिलहाल लग रहा है जो ट्रेलर निकल के आया, जो उसमें एक्शन पार्ट है वो नेक्स्ट लेवल है, उसकी तारीफ हर कोई करेगा। एक्शन सच में यार बहुत ज़्यादा अच्छा है। डायलॉग कुछ खास ज़्यादा समझ में नहीं आया, पर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं सेट है जो है वो अच्छी लगी। उसके बाद अखिल का जो पूरा स्वैग देखने को मिल रहा है एक कार के सामने, सबसे लास्ट वाला सीन जिसमें वो मतलब गर्दा मचा रहे हैं, वो सारे सीन यार नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं आपकी मूवी को और आपके ट्रेलर को। लोगों के बीच में एक्साइटमेंट बनवाएगा, गारंटी है। पर फिर भी ये लोग अपनी मूवी को हिंदी डब में रिलीज नहीं करेंगे, हद है यार, क्या ही कहें। मतलब यार इसमें साउथ के मेकर्स को एक लॉजिक समझ में नहीं आता कि पहले तेलुगु में रिलीज करेंगे, तेलुगु में हिट होगी मूवी तो हिंदी में रिलीज करेंगे, और एक गलत बात है भाई ये। मतलब मूवी आपकी रिलीज होती है उसके दूसरे दिन ही, मतलब यार कैमरे से रिकॉर्ड मूवी हिंदी डब में आती है, और इससे आपका और ज़्यादा नुकसान ही होगा। पर जो भी ओपिनियन है ये लोग जाने, पर फिलहाल जो ट्रेलर निकल के आया यहाँ पे इनका वो नेक्स्ट लेवल है। ट्रेलर का एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको, साथ में जो प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिल रही है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी है। एक दो जगह वीएफएक्स वाले सीन पहचान में आ जाएंगे, पर फिर भी जो पूरा प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिल रहा है वो उसका बजट देख के जो लग रहा है वो हाई लग रहा है और अच्छा लगा। उसके बाद जो बीजीएम है वो लाउड है पर ठीक लगा, पसंद आया। उसके बाद अखिल का स्वैग, मनमोटी सर का जो पूरा लुक है वो, साथ में जो विलन का लुक देखने को मिलता है वो, ये सारी चीज़ें ट्रेलर को अच्छा बनाती हैं। साथ में ट्रेलर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 मिनट का ट्रेलर है, जो इसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी स्टोरी आपको पता नहीं चलेगी ये मान के चलना। तो मेरे हिसाब से ट्रेलर यार अच्छा निकला है, मज़ा आया देख के और अच्छा निकला है, इतना बोलूँगा। मूवी के लिए वेट रहेगा और मूवी के एक्साइटमेंट को आगे बढ़ाएगा। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बता दो। मिलते हैं वीडियो साथ में, ये वीडियो से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो साथ में।